हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री वीडियो लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर आपको लाइन और प्लेन के मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पुराने कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार इसके अंदर रिवाइज करवाऊंगा, आप अच्छे से उन्हें याद रखें और क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके भी देखें, एक बार वीडियो में देखें और एक बार बिना देखे खुद करके देखें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ये स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, इस वीडियोज़ के अंदर आपको मिलेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो जितना भी हमने अब तक देखा है सबके मिक्स्ड क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग कुछ रिकॉल कीजिए, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ करती थी, याद करो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हुआ करता था, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है? यहां पर A पासिंग पॉइंट था, लेमडा कॉन्स्टेंट है और B वेक्टर था, ओके? एक और हुआ करता था, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा और B माइनस A, ठीक है? ये वाला जब था जब आपको एक पासिंग पॉइंट, मतलब आपको दो पासिंग पॉइंट दिए होते थे, ए बी पासिंग पॉइंट और बी बी पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो, बात एक है, ठीक है? इसके अंदर एक पासिंग पॉइंट है, एक वेक्टर है, इसके अंदर दो दो पासिंग पॉइंट है, तो ये तो पासिंग पॉइंट है, लेकिन आपको मालूम है ना दो पासिंग पॉइंट का डिफरेंस वेक्टर बन जाता है, ठीक है? ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो अगर हम एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन करते हैं तो वेक्टर बन जाता है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है? कार्टिजन फॉर्म इनकी ये हुआ करती थी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये तो लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दूसरा प्लेन, प्लेन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लेन की जानकारी देखो, ये आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन हुआ करती थी। कब होती थी ये? जब आपको एक पासिंग पॉइंट दिया होता था और एक नॉर्मल वेक्टर दिया होता था, या फिर देखो ये भी हुआ करती थी, ये फर्स्ट बोल दू सेकंड बोल देता हूं, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। ये जो ए बी सी हैं, ये एन वेक्टर के कोएफिशिएंट है आई जे के, इन्हें डी आर बोलते हैं, और जो एक्स वन वाई वन जेड वन है ये पासिंग पॉइंट है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर ये बात आपको नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको रिकॉल, मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दो पॉइंट आपने देख लिए, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट याद कीजिए, जब दो वेक्टर या दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, या दो लाइन या दो प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं, तो क्या कंडीशन हुआ करती थी, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? देखो ये रहा, जब भी दो लाइन एल वन पैरेलल है एल टू के, या फिर प्लेन वन पैरेलल है प्लेन टू के, तो देखो ऐसा होता था, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है? एक ही बात है, लाइन हो या प्लेन हो, या जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, या दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होते थे, तो ये कंडीशन हुआ करती थी, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। ये सारी कोई नई बात नहीं है, ये सारी बात वही है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है? तो ये दो बातें और हो गई, ठीक है? टोटल आपको मैं चार बातें रिकॉल करवा चुका। अब आ रही है नेक्स्ट बात, ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी इसको देखा था, सपोज करो ये कोई लाइन है, ठीक है, इसका नाम है L1, ये कोई एक और लाइन है इसका नाम है L2, और कोई एक और लाइन इस तरह से आ रही है, सपोज करो ये ऐसे करके है, देखो ऐसे करके, ओके, इसका नाम है L2 और ये कोई लाइन है L3। ये जो लाइन है ना L3, ये L1 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और L2 के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। L1 हमें मालूम है, L2 हमें मालूम है, L3 नहीं मालूम। तो L3 ऐसे निकाली जाएगी, L1 क्रॉस L2, और क्रॉस निकालना आपको आता है डिटरमिनेंट बना के, ठीक है? तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब एक लाइन, देखो लाइन थ्री दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो, जब एक लाइन दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो तो वो लाइन उन दोनों का क्रॉस होता है। तो इसके ऊपर हमने बहुत डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है? तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ज्यादातर केस देखो इस टाइप से बनते हैं इसके, जैसे ये कोई प्लेन है, ये कोई नॉर्मल है एन, इसके ऊपर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, तो देखो ये वाला नॉर्मल इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और देखो इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन के साथ, ठीक है? और हर प्लेन पे नॉर्मल होता है, हर एक प्लेन पे नॉर्मल होता है, या तो ऊपर निकालो या नीचे, बात एक है, और नॉर्मल हमेशा प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। तो ये वाला नॉर्मल इस लाइन वन के और लाइन टू के साथ क्या है,
परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना वो लाइन वन क्रॉस लाइन टू होगा। देखो लाइन वन क्रॉस लाइन टू का मतलब है लाइन वन की डीआर, ठीक है, और डीआर को बोलते हैं बी वेक्टर, और लाइन टू की डीआर इसको बोलेंगे बी वेक्टर। तो लाइन वन को बी वन बोल देंगे, लाइन टू को बी टू, ठीक है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये बातें सारी आपको याद होनी चाहिए। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूं जाते जाते, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट वेक्टर में स्टार्ट हुआ था और 3D में भी इसको मैंने यूज किया है लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर, अगर आपको याद हो। क्या था ये? जैसे आपको दो इक्वेशन दे दी जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए वन बी वन सी वन इज इक्वल टू जीरो, एक है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो याद करो, जब दो इक्वेशन होती हैं, देखो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, डी वन डी टू डी थ्री, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, और इज इक्वल टू में जीरो हो, तो इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, अगर आपको याद हो। एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड और जेड अपॉन मैग्नीट्यूड। एक्स के नीचे एक्स के कॉफिशियंट नहीं आते, एक्स अगर है तो स्टार्टिंग वाई से होगी, तो यानी बी वन और बी टू, इसके बाद सी वन और सी टू। अगर वाई है तो स्टार्टिंग जेड से होगी, तो सी वन सी टू, इसके बाद ए वन ए टू, ये डिटर्मिनेंट है। और अगर जेड है तो स्टार्टिंग जेड के बाद यानी रिवर्स एक्स से होगी, ए वन ए टू बी वन बी टू। तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। स्टार्टिंग अगर एक्स है तो बी से, तो ये वाली अप्रोच भी अपनाई जाती है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, जितनी बातें मैंने आपको याद दिलाई हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बोल रहा है द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6 आर। और चार ऑप्शन हमें दी हुई हैं, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस और पासेस थ्रू 0054, ठीक है, 5/4। ऑलराइट, तो हमें क्या कंडीशन देखनी है? तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये आता है स्क्रीन पर, ठीक है जी। ध्यान से देखो, पहला प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, कोई बात नहीं लिखा रहने दो। दूसरा प्लेन आपके सामने दिख रहा है, तो पहले आप ना पहले प्लेन की डी आर निकाल लो। तो बताओ ए वन कितना है 2, बी वन कितना है माइनस का 1 और सी वन कितना है 4। एक्स वाई जेड के कोफिशियंट को डी आर कहते हैं, ओके, कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी प्लेन की भी डी आर निकाल लो, वो कितना है 5 और बी टू कितना है आपका माइनस का 2.5 और सी टू, ये सी वन है, सी टू कितना है आपका, ये आपका 10 है। अब देखो इनके बीच में कंडीशन कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पहले पैरेलल वाली कंडीशन भी चेक कर सकते हो, रैंडम है ये, तो आपके ऊपर है पहले आपको क्या चेक करना है, हिट एंड ट्रायल। तो ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं, दैट इज 2/5, फिर निकालते हैं बी वन अपॉन बी टू यानी माइनस का 1 और माइनस का 2.5, डेसिमल को हटा दो, माइनस से माइनस हट गया 2.5, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 10, डेसिमल हटाने के लिए, ठीक है। 10 पहुंचा ऊपर, ये हो गया 10/25, कट कर दो से मिनिमम फॉर्म तक, तो 5 2 और 5 5। अब निकालो गाइस सी वन अपॉन सी टू, तो सी वन कितना है 4/10, कट करो 2/5। तो आप यहां पे देख रहे हो, हेयर साफ साफ दिख रहा है कि जो ए वन अपॉन ए टू का रिजल्ट है वही बी वन अपॉन बी टू का रिजल्ट है और वही सी वन अपॉन सी टू का। तो हेंस आप कह सकते हो कि प्लेन वन पैरेलल है प्लेन टू के, पैरेलल या कोलिनियर, लेकिन हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल तो हम भी लिखेंगे पैरेलल, क्वेश्चन में लिखा है कोलिनियर तो हम भी लिखेंगे कोलिनियर। तो आंसर इसका अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ जाते हैं, आप ध्यान से देखें इनको। देखिए गाइस, एक कॉन्सेप्ट आता है, नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार आप लोग इसे सीखेंगे, ठीक है, और इसके साथ हम न्यूमेरिकल भी ले लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट ये रहा, ये कॉन्सेप्ट बोलता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यानी दो प्लेन्स आपको दिए होंगे और वो दोनों प्लेन पैरेलल होंगे, लाइक दिस। एक प्लेन मेरा ये रहा, दिस इज प्लेन वन, और दूसरा प्लेन देखो मेरा ये रहा, दिस इज प्लेन टू। आई नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है दोनों प्लेन के बीच की, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, ये मॉड्यूलस यहां पे इसका आता है डी वन माइनस डी टू और अपॉन में आता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये डी वन डी टू क्या है देखते हैं। देखो जब भी दो पैरेलल प्लेन होंगे तो उनकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, इसकी इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, और इसकी कुछ ऐसी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो देखो पैरेलल में ना हमेशा एक्स वाई जेड के कोफिशियंट सेम होते हैं, कांस्टेंट टर्म अलग होता है, बस कांस्टेंट टर्म अलग होता है।
तो जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का डिफरेंस और नीचे मैग्नीट्यूड। ओके, सपोज करो अगर ये 1x प्लस 2x प्लस 3z है और ये अगर है 2x प्लस 4y और 6z है, तो पहले से 2 से डिवाइड किया जाएगा, मिनिमम फॉर्म में लाया जाएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट सेम बनाए जाएंगे। कैसे? न्यूमेरिकल देखते हैं, आपके सामने आता है। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन दिए हुए हैं, एक 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 है और एक 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, ध्यान से देख लो जरा। अच्छा जी, दूसरी बात, आप इसमें देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशियंट पहले वाले के अलग हैं, दूसरे वाले के अलग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों प्रपोर्शनल हैं, तो जिसमें डिवाइड हो सकता है ना उसके अंदर आप डिवाइड कर दीजिए। देखो पहले वाले प्लेन में तो डिवाइड हो नहीं सकता, पहला वाला प्लेन आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4 है, इसमें तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको तो रखो ऐसे ही, नो इश्यू। ओके, और दूसरा वाला देखो जरा कितना है, वो है 4x प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 12। देखो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि x का कोफिशियंट ये और x का कोफिशियंट ये सेम होना चाहिए, ये 2 है और ये 4 है, तो ये सही नहीं है। तो इसके ऊपर काम कीजिए, इसको पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3y, ये बनेगा 4z, ये बनेगा 6। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुका है, इसका यूज अब नहीं होगा। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे 5 होता तो भी ये डिवाइड हो जाता, तो ये बनता 2x प्लस 3y प्लस 4z और ये 5/2। ठीक है, तो d1 d2 कांस्टेंट मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड के कोफिशियंट सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे a कितना है, दोनों का a सेम होना चाहिए 2, b कितना है, दोनों का सेम होना चाहिए 3, c कितना है, दोनों का सेम होना चाहिए 4, d1 कितना है 4 है, d2 कितना है 6 है। ठीक है, तो आप दो प्लेन आपके पास आ चुके हैं लाइक दिस और दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही d, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, दिस इज द फॉर्मूला, पहले मैं लिख देता हूं, d1 माइनस d2, आपकी मर्जी है d1 माइनस d2 बोलो या d2 माइनस d1 बोलो, एक ही बात है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और नीचे आएगा जी मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, d1 4 है, d2 6 है, abc इतना है, सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दीजिए, डालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2/√29। आप चाहो तो इसको फर्दर रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, तो दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, इसे याद रखना फॉर्मूले को, फॉर्मूलों का खेल है। और दूसरी बात, ये प्रोपोर्शनल वाली बात भी याद रखना कि अगर कोई ज्यादा आ जाए तो उसे मिनिमम फॉर्म में ले आओ, उसके बाद फॉर्मूला पुट होगा, मतलब ए दोनों का सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तैयार कर लो, कॉम्पिटिशन में भी आता है ये। देखिए जी 21 क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट डिस्टेंस पी। देखो प्लेन की बात हो रही है और इंटरसेप्ट की बात हो रही है, याद करो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, याद है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या हुआ करती थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो जब भी इंटरसेप्ट बोलता है और प्लेन बोलता है तो हमें वही इक्वेशन याद आ जाती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। अगर याद नहीं है तो लिख लो, आपको याद होनी चाहिए, पुरानी वीडियोस के अंदर ये सब बताया गया है आपको, कोई नई बात नहीं है। आगे बोला है इज एट अ डिस्टेंस पी यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से पी यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो आपको देखो कुछ प्रूफ करने के लिए इसने कहा है, ऑल राइट नो इश्यू। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो देखिए ये मेरे पास कोई प्लेन है इस टाइप से, और क्योंकि इसने इंटरसेप्ट बोला हुआ है तो प्लेन की इक्वेशन मेरे को तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1 हुआ करती थी, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 को उठा के ना मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो -1 इज इक्वल टू 0, और ये मेरा ओरिजिन है 0, 0, 0, और यहां से देखो ये डिस्टेंस आ गई, इसका नाम रखो ए, और ये टोटल जो डिस्टेंस है ना इसकी लेंथ आपको दी हुई है पी, क्वेश्चन को देखो आराम से, तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू, और आपको समथिंग समथिंग प्रूफ करना है जो क्वेश्चन में दिख रहा है। ओके, तो याद करो, ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद है, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको यहां बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी यूज की है, तो जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करेगा ना तो आपको ये वाली लिखनी है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी -1 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 1 लिख दो, एक ही बात है। अच्छा जी, दूसरी बात, आपको पता है कि ओ ए की लेंथ कितनी है, पी है, ये भी क्वेश्चन में दी हुई है। अब याद करो लेक्चर नंबर 2 का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी हमने इसको यूज किया था, वो देखो ये हुआ करती थी ओ ए, मैं निकाल रहा हूं ओ ए, देखो ऐसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं मॉड्यूलस और नीचे लेते हैं मैग्नीट्यूड, याद आया कुछ? ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड,
जब भी एक पॉइंट दिया हो और एक प्लेन दिया हो तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, चाहे बोले चाहे ना बोले। अब एक्स वाई जेड की जगह तो ये रखो जीरो जीरो जीरो, यहां रखो भी जीरो बाई ए जीरो ही आएगा, यहां रखो भी जीरो बाई बी जीरो, जीरो बाई सी जीरो माइनस का वन, और नीचे आएगा मैग्नीट्यूड। एक्स के साथ क्या है, वन अपॉन ए स्क्वायर कर दो, तो वन अपॉन ए स्क्वायर वाई के साथ, वन अपॉन बी स्क्वायर जेड के साथ, वन अपॉन सी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऊपर मॉड्यूलस है तो ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, माइनस वन बचा, माइनस वन का मॉड्यूलस पॉजिटिव वन होगा, ठीक है। नीचे तो अंडर रूट है, नो इश्यू। वन अपॉन ए स्क्वायर दिस इज वन अपॉन बी स्क्वायर दिस इज वन अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ठीक है। अब करते हैं एक काम, ठीक है, जगह कम बच रही है, ध्यान से देखो। मैं कर रहा हूं उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो ऊपर तो वन का स्क्वायर वन और नीचे अंडर रूट हट जाएगा, तो वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर और इज इक्वल टू में हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। इसके अपॉन वन मान सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो देखो आंसर, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर आंसर ऐसा कुछ आ तो रहा है लेकिन ये ऊपर नीचे है, तो आप कर दो इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल होगा तो ये पूरा ब्रैकेट ऊपर और वन नीचे, यानी ऐसा हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय वन। तो होल डिवाइड बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, और इसका रेसिप्रोकल होगा तो वन बाय पी स्क्वायर। देखिए जी, हैंस प्रूव्ड, यही आंसर आपको लेके आना था जो आ गया, तो हैंस प्रूव लिख देना एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये प्लेन की इक्वेशन याद होनी चाहिए थी, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ऑलराइट, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएंगे, जरा ध्यान रखना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो के। इसने लिखा है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से सुनना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो याद करो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। दोबारा बोलो, आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट, लैम्डा कॉन्स्टेंट, और बी क्या होता है, वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4, मतलब पासिंग पॉइंट, मतलब ए वेक्टर आपको दे दिया गया, क्या है ए वेक्टर, 1i + 2j - 4k, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, जो लाइन हमें निकालनी है वो इन दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, ओके। अच्छा, अब देखो यही क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे करके भी आता है, ये देखो एक्स्ट्रा सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो ये आ गया, इसमें लिखा हुआ है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट 1, 2, -4, सेम टू सेम है, या ये ऐसा भी लिखा हो सकता था पोजीशन वेक्टर 1i + 2j - 4k, तो पोजीशन वेक्टर और पॉइंट ए की बात होती है, ठीक है। एंड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल माने परपेंडिकुलर टू द लाइंस, और देखो लाइंस हमें दी हुई हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो लाइंस है वो कार्टेशियन फॉर्म है, और नीचे इस वाले क्वेश्चन में जो हैंड रिटन वाला है इसमें जो लाइन है ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। पहला वाला पासिंग पॉइंट होता है लैम्डा के बाद वाला वेक्टर, ऐसी दूसरे में पहला वाला पासिंग पॉइंट होता है म्यू के बाद वाला वेक्टर, तो ये क्वेश्चन जैसे मर्जी आ सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा रहा हूं और ऊपर वाला क्वेश्चन रहने दूंगा, तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में जैसे मर्जी आए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो भाई इसको अगर डायग्राम के अप्रोच से मैं बताऊं तो देखो आपके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरे पास लाइन वन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन मेरे को दी हुई है x -8/3 और y +19/-16 और z -10/7। ये मेरे पास कोई लाइन टू है, इसकी भी इक्वेशन मुझे दी हुई है, दैट इज x -15/3 y -29/8 और z -5/-5। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आए तो पहले देख लेना क्वेश्चन सही है या गलत है। ये x-8 है, बिल्कुल सही है। अगर ये 8-x होता तो हमें क्वेश्चन ठीक करना पड़ता क्योंकि हमेशा x-x1 होता है, ठीक है। अगर यहां पे होता है 2x-8 तो 2 कॉमन लेना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। फिलहाल ये एकदम सही है, ओके। अब देखो आगे इसने क्या मांगा है, इसने एक लाइन मांगी है थर्ड। तो देखो ये मेरी लाइन थर्ड है, इसका नाम है लाइन नंबर थर्ड, ठीक है। ये मुझे निकालनी है रेड वाली लाइन, और ये लाइन देखो लाइन वन के साथ परपेंडिकुलर है और लाइन टू के साथ भी परपेंडिकुलर है, और इस लाइन थर्ड के ऊपर कोई पासिंग पॉइंट मुझे दिया हुआ है इसने, जो क्वेश्चन के अंदर साफ साफ आपको दिख रहा है 1, 2, -4 1, 2, -4। तो ये रेड वाली लाइन मुझे निकालनी है, एग्जाम में रेड पेन अलाउ नहीं है तो आपको रेड पेन यूज नहीं करना। और इसने कहा कि वेक्टर फॉर्म ही निकालनी है, तो याद करो यहां लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्री। तो लाइन थ्री की इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा और बी, ये मेरी लाइन है जो मुझे निकालनी है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर इज इक्वल टू ए, कितना है ए, ये रहा, इसे बोलेंगे आई प्लस का 2j माइनस का 4k, है ना। पॉइंट से जब वेक्टर बनता है तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं, लैम्डा रहेगा ऐसे ही। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बी वेक्टर इस लाइन को ही बोलते हैं। तो बी वेक्टर को लिख दो आप b1i, ठीक है, प्लस b2j प्लस b3k, इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि बी के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये मेरा एक्चुअली रिक्वायर्ड हो गया, तो इसका नाम रखो थर्ड। ओके, अब मैं क्वेश्चन ऊपर से हटा रहा हूं, तो देखो क्वेश्चन मैंने ऊपर से हटा दिया। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो लाइन नंबर थर्ड है ना, जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, वो परपेंडिकुलर है लाइन नंबर वन के साथ। और इसने कहा है कि जो लाइन नंबर थर्ड है वो परपेंडिकुलर है लाइन नंबर टू के साथ। ये दो कंडीशन दी हुई है। आपको ये बात मालूम है कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो ये कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर भी जब दो परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, सारी बात मैंने आपको रिकॉल करवाई थी, याद दिलवाई थी। तो भाई बात हो रही है लाइन थर्ड और लाइन वन की। लाइन थर्ड की dr देखो ये है, हमेशा लैम्डा के बाद वाली dr होती है, b1 b2 b3। और लाइन वन की dr देखो ये रही नीचे वाली, ये इसकी dr है, ठीक है। तो भाई b1 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, b2 की -16 में होगी, b3 की 7 में। तो अकॉर्डिंगली कंडीशन आपकी बन जाएगी 3b1 -16b2 और प्लस का 7b3 इज इक्वल टू जीरो। नाम रखो इसका 4। अब बात हो रही है थर्ड और टू की, तो थर्ड में तो dr यही रहेंगी और टू की dr देखो ये है। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, x माइनस 15 ठीक है, अगर ये 15 माइनस x होता तो पहले से ठीक करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। ऐसा कुछ बता चुका हूं मैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। चलो जी इनकी वो करो, 3 की b1 में होगी, 8 की b2 में होगी, -5 की b3 में, क्योंकि ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 का रोल प्ले कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, करो मल्टीप्लाई। तो आपका आएगा 3b1, इसके बाद आएगा 8b2, इसके बाद आएगा माइनस का 5b3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि जब दो इक्वेशन हो, मैं इसे रब कर रहा हूं अभी, ठीक है, याद करो, जब दो इक्वेशन हो, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, एक b1 दिख रहा है, एक b2 दिख रहा है, एक b3, ठीक है, और इक्वल में जीरो हो, इक्वल में जीरो है, तो सॉल्व करने का ये तरीका होता है। क्या तरीका होता है, ऑन सॉल्विंग, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे करते हैं, b1 यहां पे, b2 यहां पे, b3 इस तरह से, यहां लेते हैं हम डिटर्मिनेंट, यहां भी डिटर्मिनेंट और यहां भी डिटर्मिनेंट। यहां लिखा है मैंने b1, तो b1 से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग b2 से होगी। इसका b2 -16, इसका b2 8, तो ऐसे -16 और 8। b3 कितना है 7, इसका -5, 7 -5। यहां लिखा है b2, तो स्टार्टिंग b2 से नहीं होगी, b3 से होगी। तो b3 में कितना है 7 और -5, 7 ऊपर -5 नीचे, फिर b1 आएगा, दैट इज 3 और 3। इसके बाद फिर यहां पर लिखा है b3, तो b3 से ना होकर के b1 से स्टार्टिंग होगी, यहां पे 3, यहां पे 3, इसके बाद माइनस का 16 और इधर 8, ठीक है। अगर लॉजिक देखा जाए तो देखो b1 के नीचे b2, इसके बाद b3, जो यहां पर एंड है देखो उसी से स्टार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट, जो यहां पर एंड है देखो उसी से स्टार्ट है, ठीक है। अब कर दो इसको सॉल्व, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है, इसकी करेंगे इसमें, तो कितना आ गया 80, सो 16 5 से 80 माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपका कितना माइनस का 56। ऑलराइट, b2 यहां करो 35 आ गया, प्लस का 15, क्योंकि इस मल्टीप्लाई होती है तो एक माइनस छुपा होता है। यहां करो b3 के नीचे, ये आ गया 24 और प्लस का 48। थोड़ा सा और सॉल्व करो उसको, ये आ गया आपका 24, ये आपका आ गया जी 36, ठीक है, 46 आ गया, ठीक है, सॉरी ये 21 है, ये 21 है, तो 36 आएगा, 7 3 21 21 इट इज, आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज b3 और ये आपका आ गया जी कितना 72। अब देखो ये मिनिमम फॉर्म है, अभी मिनिमम फॉर्म नहीं है ये, तो ये डिवाइड हो सकता है, तो आपको डिवाइड करना है, पूरा मिनिमम फॉर्म तक निकालना है। 12 से डिवाइड हो सकता है तो 12 से डिवाइड इसे कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, b3 के अपॉन में 3 हो जाएगा, b2 और b3 के अपॉन में कितना हो जाएगा बोलो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 12 6 72। तो अब ये पूरा मिनिमम फॉर्म में आ चुका है। तो ये जो b1 b2 b3 के जो नीचे ये नंबर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअल में आपका b वेक्टर निकल के आ गया। तो ये b वेक्टर देखो कितना है, 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, इसी को बोलते हैं b वेक्टर। तो जब भी लाइन वाला सवाल होगा ना, लाइन वाला सवाल,
और इस तरह से काम करेंगे हम बी वन बी टू बी थ्री के नीचे, तो जो इनके अपॉन में मिनिमम फॉर्म आएगी यही आपका कंप्लीटली बी वेक्टर होगा। तो बी वेक्टर जैसे ही आपका आ गया, अब उसको बुला लो जो आपको चाहिए फ्रॉम थर्ड। थर्ड लाइन क्या थी, आर बराबर ए प्लस लैमडा थी, ए की वैल्यू तो मैं रख चुका था आई प्लस टू जे माइनस फोर के, याद है ना, ए की वैल्यू प्लस में लैमडा, इधर बी वन बी टू बी थ्री, तो मतलब बी वेक्टर जो कि ये आ चुका है, यानी टू आई प्लस का थ्री जे प्लस का सिक्स के। देखो जी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही आपका आंसर है। अगर मान लो इसने कार्टिजन फॉर्म पूछी होती तो कार्टिजन फॉर्म का फॉर्मूला और करके लिख दो, एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन है वन टू और माइनस फोर पासिंग पॉइंट जो है, ये वाई माइनस टू, ठीक है, जेड माइनस, तो प्लस का फोर हो जाएगा क्योंकि माइनस फोर है, अपॉन अपॉन अपॉन, यहां पे आएगा डी आर, लैम्डा के बाद जो वेक्टर होता है ना उसके कोफिशियंट डी आर, यानी कितना टू या थ्री और ये सिक्स, तो ये आंसर होता, ठीक है। तो कोई सी भी फॉर्म पूछे आपको तो कन्वर्जन आता ही है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब इसका एक तरीका और बताता हूं शॉर्टकट, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा इसको अलग तरीके से, ठीक है, जरा देखना। ये लाइन आपको दी हुई है, ठीक है, लाइन वन है, ये लाइन टू आपको दी हुई है, ठीक है, ये लाइन है जो मुझे निकालनी है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, ये लाइन नंबर थर्ड है, मैं इसको थर्ड बोल देता हूं, ओके, इसको मैं टू बोल देता हूं, ये मेरी थर्ड है। लाइन वन की इक्वेशन आपको दिख रही है, दैट इज एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वाई प्लस नाइनटीन इज इक्वल टू जेड माइनस टेन, ओके, ये आपको लाइन ऑलरेडी दिख रही है। अपॉन में लिखा है थ्री माइनस सिक्सटीन और ये आपका सेवन, और लाइन टू भी आपके पास है, एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू वाई माइनस ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू जेड माइनस का फाइव। अपॉन में आपको नंबर्स इसके दिख रहे हैं, दैट इज थ्री एट और माइनस का फाइव, ओके, अच्छा जी। और मुझसे इसने कहा वेक्टर फॉर्म निकालो, तो भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन थर्ड ये मुझे निकालनी है, तो फॉर्मूला मेरे को याद है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये मेरा फॉर्मूला है। ए मेरे पास अवेलेबल है, यानी ए मेरे पास कितना है, पासिंग पॉइंट, देखो इस लाइन के ऊपर कहीं भी होगा, लाइन थर्ड जो मुझे निकालनी है इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, वो है वन टू और माइनस फोर, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो ए की जगह मैंने लिख दिया आई प्लस टू जे माइनस का फोर के, ठीक है, लैम्डा, और बी वेक्टर मुझे मालूम नहीं है तो मैंने इसको छोड़ दिया इधर लाइन थर्ड का नाम देके, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहां ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरा बी वेक्टर होगा ना, बी वेक्टर वो होगा बी वन क्रॉस बी टू के इक्वल। देखो याद करो, लाइन नंबर थर्ड परपेंडिकुलर है वन के साथ भी और टू के साथ भी। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वह वेक्टर उन दोनों का क्रॉस होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है, लाइन में भी हो सकता है, प्लेन में भी। तो जब भी कोई वेक्टर दो के साथ परपेंडिकुलर हो तो वह वेक्टर उन दोनों का क्रॉस होगा। तो यहां पे देखो, ये वाला जो लाइन नंबर थर्ड है ये लाइन वन और लाइन टू के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसलिए लाइन थर्ड का जो वेक्टर है वो लाइन वन और लाइन टू के वेक्टर के क्रॉस के बराबर होगा। ये वही बात है जो मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, इसे याद रख लो हमेशा के लिए, कि जब एक वेक्टर, जब एक लाइन दो लाइन या फिर एक प्लेन दो प्लेन को, कोई भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, जब एक चीज दो के साथ परपेंडिकुलर होती है तो वह चीज उन दोनों का क्रॉस होती है। तो बी वन का है, देखो ये रहा बी वन, है ना, बी टू का है, देखो ये रहा बी टू, तो आपको क्रॉस निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं, आई ये जे और ये के, रखो जी बी वन थ्री हो गया, माइनस का सिक्सटीन हो गया, सेवन हो गया, ये थ्री हो गया, एट हो गया, माइनस का फाइव हो गया। इसको आपको खोलना आता है, कैसे खोलते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, इसकी इसमें होगी तो कितना आ जाएगा 80, माइनस की इसमें होगी तो कितना आएगा 56, माइनस का जे आता है, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, इसकी इसमें होगी तो कितना आएगा 35, नहीं 15 आएगा, ठीक है 15, और इसकी इसमें होगी तो 7 21 आएगा माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का ही रहेगा, माइनस का इस तरह से, और प्लस का क्या आएगा, आप के कैप, ये गया और ये गया, इसकी इसमें होगी तो 24 आएगा और ये 48 आएगा। और ढंग से अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो आई विल गेट व्हाट, मेरे पास आपका आएगा जी, ये 80 में से 56 गया तो बोलो ये आएगा 24 आई कैप, और ये जब प्लस होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 36 जे कैप, और ये सब प्लस होगा तो आ जाएगा 72 के कैप। देखो जी आपको बी वेक्टर मिल चुका है, ठीक है, यानी जिस बी वेक्टर के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज किया था वो देखो हमें यहाँ कितनी इजीली मिल गया, ओके।
और जैसे ही हमें बी वेक्टर मिल जाएगा, हम इस बी वेक्टर को रख देंगे इसके अंदर, जो हमारा आंसर है ये रखो जी। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस का 2j माइनस का 4k, लैम्डा रहेगा एज इट इज और बी की जगह आ जाएगा ये, ये है 24i प्लस का 36j और प्लस का 72k, कुछ ऐसा ऐसा आ गया। ओके, अब देखो यहां पर एक खास बात है, यहां पर देखो कुछ कॉमन है, मिनिमम फॉर्म में नहीं है ये, तो कॉमन ले लो, ठीक है, हमेशा ले लो कॉमन, क्योंकि मिनिमम फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो 12 आ रहा है, तो 12 कॉमन आएगा तो ये बाहर बन जाएगा 12 लैम्डा, ठीक है, और अंदर क्या बनेगा 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक है। अब ये 12 लैम्डा क्या है, 12 लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, तो आप यहां पे लिख दो हेयर हेयर 12 लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, 12 लैम्डा अपने आप में कांस्टेंट है, और इसको खुद लैम्डा बोल दो दोबारा, 12 लैम्डा को दोबारा लैम्डा बोल दो, या दोबारा लैम्डा नहीं बोलना है तो आप चाहो तो इसे नया कांस्टेंट का नाम दे दो म्यू, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका देखो ये रहेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का 4k, और 12 हटके म्यू बन जाएगा, और ये 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहां अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लैम्डा के साथ मिल जाएगा, और ये लैम्डा नंबर के साथ मिलके नया कांस्टेंट बन जाएगा, और यहां नया कांस्टेंट रख दो, तो दिस इज द आंसर। तो इस मेथड में फायदा यह हुआ कि आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन रूल याद रखना है कि जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वह वेक्टर उन दोनों का क्रॉस होता है, ये लाइन के अंदर भी यूज होता है और प्लेन के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये एक मेथड ना कभी कभी टीचर मना कर देते हैं, तो आपको क्रॉस वाला मेथड ही यूज करना है, ये तो कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि इजिली काम हो जाता है, ठीक है। तो आप क्रॉस वाले मेथड को पक्का तैयार करें, ठीक है, इस मेथड को कॉम्पिटिशन के लिए यूज करें। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, अगेन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट दे दिया गया, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन, देखो दो प्लेन के साथ वो पैरेलल है, तो दो प्लेन दिए हुए हैं आपको, आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू 5, आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू 5, ये जो r डॉट के बाद जो वेक्टर है ना i माइनस j प्लस 2k, ये आपका नॉर्मल है, इसे कहते हैं n1 क्योंकि प्लेन 1 है, और दूसरे वाले को बोलेंगे n2, ठीक है, नॉर्मल 2 क्योंकि प्लेन 2 है। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आता है, ये देखो मैंने एक्स्ट्रा आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3, या तो ऐसे करके देगा या बोलेगा पोजिशन वैक्टर 1i प्लस 2j प्लस 3k, पोजिशन वेक्टर और पासिंग पॉइंट एक होता है, मैं ये बात आपको हर बार बताता हूं, एंड पैरेलल टू द प्लेन, और प्लेन के पैरेलल है, प्लेन देखो अब की बार ऐसे करके आपको दे दिए गए कार्टिजन फॉर्म में, x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशियंट, ठीक है, यानी एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ माइनस 1 है, जेड के साथ 2 है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे ना, अगर 1i माइनस j प्लस 2k, एक्स वाई जेड हटा दो, आई जे के लगा दो, तो वो नॉर्मल 1 बन जाएगा, ऐसे देखो दूसरे वाले का नॉर्मल 2 3i प्लस j प्लस k बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं, बट एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है, तो देखते हैं भाई, पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं कि अप्रोच। ओके, तो देखिए जी, ये आपका प्लेन नंबर 1 है, ठीक है, ये देखो ये आपका प्लेन नंबर 1 है जो दिया हुआ है, इसको बोलूंगा मैं प्लेन 1, और इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है आर वेक्टर, ये डॉट है, आई माइनस का जे प्लस का 2k इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये इसका n1 है नॉर्मल 1, और ये देखो आपका प्लेन नंबर 2 है, ठीक है, ये भी आपको गिवन है, इसको बोलूंगा मैं प्लेन 2, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है r डॉट 3i प्लस का j प्लस का k इज इक्वल टू कितना है 6, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना n1 वो ये वाला होगा r के साथ वाला, i माइनस j प्लस 2k, कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, इसका जो नॉर्मल होगा उसे बोलेंगे n2, वही होगा 3i प्लस j प्लस k, ओके, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कार्टिजन फॉर्म भी दी होती तब भी हम नॉर्मल निकाल सकते थे, एक्स वाई जेड हटा के आई जे के लगाने थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसने क्या कहा है, इसने कहा है कोई लाइन बताओ, तो देखो ये कोई लाइन है जो इन दोनों के साथ पैरेलल है, तो देखो ये कोई लाइन है, इस तरह से लाइन बनेगी, ये लाइन हमें निकालनी है, इसका नाम रख दो लाइन, दिस इज अ लाइन, ओके, तो लाइन की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा और बी, ए तो मुझे मालूम है, इसने देखो बोल रखा है कि लाइन के ऊपर पासिंग पॉइंट 1 2 3 है, तो कहीं पर भी मान लो ये कोई पासिंग पॉइंट है,
जिसका नाम 1, 2, 3 है, तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर रख दूं तो ये आगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा ए कितना है, ए आपका है आई प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा। और बी कितना है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बी को आप बोल दो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, ये आपका बी वेक्टर है। ओके, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है बट समझ में आना चाहिए। तो अगेन ये क्वेश्चन सेम बन गया। डायग्राम देखो, देखो पहले वाले प्लेन का नॉर्मल ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो देखो ये इसका नॉर्मल है, आप देखो परपेंडिकुलर साफ साफ बन रहा है, यानी एन वन इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल ये रहा, कहीं पर भी हो सकता है नॉर्मल, यहां 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 कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ये मैंने ड्रॉ किया, ये भी 90 डिग्री बन रहा है एन टू, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम। तो अगेन मैं यहां पे लिख दूंगा इसको, इसको बोल दूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और इसको नाम दे दो भाई कुछ ना कुछ, या इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो आप सेकंड, ठीक है, प्लेन वन को फर्स्ट, प्लेन टू को सेकंड, और लाइन को बोल दो आप थर्ड इक्वेशन, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये थर्ड है। ओके, तो मैं यहां पर बोलूंगा कि जो नॉर्मल वन है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल वन है, वो परपेंडिकुलर है बी के साथ। देखो बी का मतलब होता है वेक्टर, कोई भी लाइन है ना उसमें ए तो पासिंग पॉइंट होता है, और जो बी होता है वो पूरा वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन, इसे बी कहते हैं, ठीक है। तो एन वन परपेंडिकुलर है बी के साथ, तो आपको मालूम है जब एन वन परपेंडिकुलर है बी के साथ तो इनका डॉट जीरो होगा, लाइक ए वन अपॉन ए टू प्लस बी वन अपॉन बी टू प्लस सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू जीरो होगा। एन वन ये रहा, तो ये ए वन बी वन सी वन है इसके कॉफिशियंट, और बी वेक्टर देखो ये रहा है ना, ये क्या है ए टू बी टू सी टू, तो डॉट कर दो। आई के कॉफिशियंट क्या है, वन, वन की डॉट बी वन में, माइनस वन की बी टू में, और टू की बी थ्री में, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा आपके पास, बी वन माइनस का बी टू, ठीक है, ये बी वन है, और प्लस का टू बी थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई, ठीक है। फिर आप यहां लिखो क्या कि एन टू वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के साथ, भाई एन टू भी तो परपेंडिकुलर है, इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल है ये भी इस बी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगेन सेम कंडीशन, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो अगेन देखो ये जो वेक्टर है इसमें ये ए वन बी वन सी वन है, और ये तो है ए टू बी टू सी टू, थ्री की बी वन में, वन की बी टू में, और वन की बी थ्री में, तो ये आपका बनेगा थ्री बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। अब मैं यहां से क्वेश्चन को हटा रहा हूं ऊपर से, और देखो वही सिचुएशन बन गई है ना, जो मैंने वेक्टर के अंदर आपको बार बार, या अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है कि दो इक्वेशन तीन वेरिएबल और बराबर जीरो, तो क्वेश्चन हट गया। और यहां पे लिखो ऑन सॉल्विंग, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ कैसे करते हैं, बी वन यहां पर, बी टू यहां पर, बी थ्री यहां पर लगाते हैं हम डिटर्मिनेंट इस तरह से, ठीक है, और बी वन के नीचे बी वन नहीं आएगा, तो माइनस वन और वन, माइनस वन वन आएगा, ठीक है, और आएगा टू वन। अब तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ठीक है, आपको तो मैं ये ऑलरेडी सारी चीजें सिखा चुका हूं, तो मैं लिख दिया डायरेक्ट। अब कर दो उसको सॉल्व, ठीक है, जगह मेरे पास बच नहीं रही तो मैं कर देता हूं उसको रब। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत वेक्टर में हो गई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, वेक्टर में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसको मैं रहने देता हूं अभी ऐसे ही लिखा हुआ। कैसे करते हैं सॉल्व गाइस, बी वन अपॉन इसकी इसमें माइनस वन और ये माइनस का टू, बी टू इसकी इसमें सिक्स माइनस का वन, बी थ्री इसकी इसमें होगी वन, इसकी इसमें होगी माइनस तो प्लस का थ्री, तो बी वन मेरा आ गया माइनस का थ्री, बी टू मेरा आ गया फाइव, और बी थ्री मेरा आ गया फोर। यही आपका बी वेक्टर होता है, इसे बोलते हैं माइनस का थ्री आई प्लस का फाइव जे और प्लस का फोर के, ठीक है। इसको लैम्डा भी कभी कभी मानते हैं हम, इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, तो इज इक्वल टू लैम्डा मानेंगे तो बी वन की वैल्यू आएगी माइनस का थ्री लैम्डा, B2 की 5 लैम्डा, B3 की 4 लैम्डा, और जब आप यहां रखोगे ना B1 की वैल्यू तो लैम्डा सब में कॉमन आ जाएगा, तो वो लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा और लैम्डा कांस्टेंट ही होगा, लैम्डा स्क्वायर बोलो लैम्डा बोलो सब कांस्टेंट होते हैं, 12 लैम्डा बोलो, तो उनको आप नए नाम म्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो इट इज बेटर कि आप इसको डायरेक्ट बी वेक्टर बोल दो, ठीक है, लेकिन जब प्लेन आता है तो वहां लैम्डा मानना पड़ता है, न्यूमेरिकल आएंगे भी समझाऊंगा आपको। जैसे ही आपका बी आ गया आप इधर बुला लो फ्रॉम थर्ड, इसका नाम थर्ड था, तो थर्ड थी R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये इसकी इक्वेशन थी। A आपको मालूम था I प्लस टू जे प्लस थ्री के, ठीक है, लैम्डा एज इट इज, और B आपका आया है माइनस का थ्री आई प्लस का फाइव जे प्लस का फोर के, ये आपका आंसर है। और अगर कार्टिजन फॉर्म पूछता तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी,
जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह 1 2 3 और ए बी सी की जगह -3 5 और 4 पुट कर देते तो आपका आंसर आ जाता, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था, अब इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। देखिए क्वेश्चन आपको साफ साफ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डायग्राम में फिर दोबारा बना देता हूं। ये प्लेन वन मेरे पास है, ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको दिख रही है आर डॉट आई माइनस जे, ठीक है, माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू 5। ये प्लेन टू आपको दिख रहा है, इसकी इक्वेशन आपको लिख देता हूं मैं इधर, आर डॉट 3i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6। ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन होती है आर बराबर ए प्लस लैम्डा और बी। ए मुझे मालूम है जो कि मुझे दिया हुआ है 1, 2, 3। लाइन का ये बी वेक्टर है पूरा कंप्लीट, जो ये बी वेक्टर है, इसका नॉर्मल देखो ये रहा परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल ये रहा परपेंडिकुलर। नॉर्मल आप प्लेन पे कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे इधर 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 कहीं पर भी। तो आप इधर देख रहे हैं कि बी वेक्टर, देखो ये बी वेक्टर पूरा कंप्लीट, बी वेक्टर एन वन के साथ भी परपेंडिकुलर है, एन टू के साथ भी, तो बी वेक्टर निकल जाएगा एन वन क्रॉस एन टू से, ठीक है, इस तरह से डिटर्मिनेंट आई जे के। एन वन के क्या है कोफिशियंट 1 -1 2, एन टू के क्या है 3 1 और k। इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा ना बी वेक्टर का, इसको खोलने पर जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस का 4k, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद आप लाइन निकाल सकते हो, a कितना है, a तो आपके पास पता ही है i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, b वेक्टर लैम्डा ऐसी रहेगा, b कितना है, b ये रहा माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस 4k। तो देखो बहुत जल्दी हो गया काम शॉर्टकट। तो ये कॉम्पिटिशन के लिए है, सीबीएसई में आप मत करना, सीबीएसई के अंदर वही वाला मेथड करना जो मैंने अभी बताया इसका, ठीक है जी। और ये वाला कॉन्सेप्ट वही है, जब एक वेक्टर दो के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वह वेक्टर उन दोनों का क्रॉस होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, कई बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़े ध्यान से देखना। इसने कहा फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। एक लाइन दे रखी है आर इज इक्वल टू समथिंग प्लस लैम्डा समथिंग, लाइन की इक्वेशन याद होगी आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो ए आपको पता है लैम्डा है और बी आपको पता है, बी वेक्टर होता है यहाँ पर, डायरेक्शन होती है, और प्लेन आपको दिया हुआ है आर डॉट समथिंग इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यानी लाइन और प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस कट वाले पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है इस पॉइंट की जो आपको दिया हुआ है। और देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आता है, ठीक है, देखो आपके सामने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट या पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता था -1, -5, -10 या इसको बोल सकता था -i, -5j, -10k, एक ही बात है पोजीशन वेक्टर और पॉइंट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन देखो आपको इधर कार्टिजन फॉर्म में दी हुई है और प्लेन भी कार्टिजन फॉर्म में है, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, तो इस तरह से आ सकते थे। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ओके जी। तो देखिए मैं बनाता हूं उसका पहले डायग्राम, डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। देखो ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ये प्लेन मुझे दिया हुआ है, इस प्लेन की इक्वेशन मेरे को दिख रही है ये रही आर डॉट, ठीक है, आई माइनस का जे प्लस का के इज इक्वल टू 5, ये रहा। आप चाहो तो इसे कार्टिजन फॉर्म में भी बदल सकते हो लाइक दिस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये ज्यादा बेटर रहता है। तो आपने इसे कार्टिजन फॉर्म में बदला, कैसे बदला, आर हटा दिया और एक्स वाई जेड लगा दिया, हालांकि इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, मैं दूंगा। देखो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है ए, इसको कट करते हुए देखो लाइन पार हो गई, तो ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन भी देखो मुझे दी हुई है जो दिख रही है मेरे पास आर इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का 2k, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं इधर लैम्डा, और ये है आपका 3i प्लस का 4j और प्लस का 2k, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म है। और मैं चाहूं तो उसे कार्टिजन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे, ये फॉर्मूला होता था एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन ये 2 होता है, ठीक है, वाई माइनस वाई वन, वाई वन जे के साथ वाला, तो माइनस का है तो प्लस का ले लेंगे, और जेड माइनस जेड वन 2 के साथ वाला। कन्वर्जन मैंने आपको बहुत सिखाया है वेक्टर के अंदर। और यहां आएगा एबीसी, लैम्डा के बाद जो वेक्टर होता है ना इसे एबीसी कहते हैं, 3, 4 और 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। तो ये लाइन है और ये प्लेन है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जो हमें नहीं मालूम, ठीक है। इस पॉइंट को हम कुछ बोल देते हैं क्यू बोल देते हैं, ये एक्स है वाई है जेड है, इसके बारे में जानकारी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस बताओ दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है -1, -5, -10, वो पॉइंट कहां होगा, कहीं पर भी होगा। तो आईडिया से मान लेता हूं वो पॉइंट यहां पर है सपोज करो, ठीक है, ये वो पॉइंट है -1, -5 और -10। तो मुझे ये डिस्टेंस
ये मान लो, यहां मान लेता हूं मैं इसको, कहीं भी मान लो, ये तो आपको सिर्फ आइडिया के लिए बताया जा रहा है। तो देखो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है पी क्यू, ए क्यू सॉरी, अगर मैंने इसको नाम दिया ना ए, तो आपको ए क्यू डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो खुद सोचो, अगर आपको क्यू के कोऑर्डिनेट पता लग जाए, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग जाए, फिर तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, टेंथ क्लास वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, याद होगा ना, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। टेंथ में तो एक्स वन वाई टू में था, यहां जेड भी आ जाएगा, लेकिन बिहेवियर सेम रहेगा। तो ये आपका डायग्राम बनके हुआ तैयार। ठीक है, मैंने क्या किया, जो वैक्टर फॉर्म दी हुई थी कार्टिजन फॉर्म में कर लिया उसे कन्वर्ट। अगर मैं नहीं भी करता तो भी मेरा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब देखो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको ऐसे करके, आप यहां लिखेंगे गिवन, ठीक है, प्लेन आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू फाइव, ऐसे लिखेंगे, ये वन है। फिर लिखेंगे आप लाइन, ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू आई माइनस जे प्लस टू के, और यहां पे आएगा लैम्डा, इधर कितना है थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ठीक है, ये हो गई टू। अब आप इसे कर दो कन्वर्ट, तो आप यहां लिखेंगे ऑन कन्वर्टिंग, पूरा जस्टिफिकेशन देना है, इन टू कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अभी इसके नाम मत दो आप, है ना, ऑन कन्वर्टिंग इन टू कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, इसे फर्स्ट बोलूंगा, और ये बन जाएगा आपका ऐसा, क्योंकि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, याद है ना, तो उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस टू ये y प्लस वन, ये z माइनस का टू अपॉन अपॉन अपॉन, और ये थ्री फोर और टू, ये बन जाएगी टू। ठीक है, तो इस तरह से आपको जस्टिफिकेशन देना है कि आपने इसे कन्वर्ट किया है। अब क्या करना है, अब आपको प्लेन और लाइन को सॉल्व करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा कैसे भी, या तो इसको इसमें रखो या इसको इसमें रखो। तो देखो रखने का तो हिसाब किताब यहां से कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि x की वैल्यू यहां से कैसे निकले मुझे नहीं पता चल रहा है, तो देखो मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेट x माइनस टू बाय थ्री, वाई प्लस वन बाय फोर और z माइनस टू बाय टू को मान लो क्या, लैम्डा, कुछ भी मान लो, लैम्डा मान लो, म्यू मान लो, के मान लो, कुछ भी। तो ध्यान से इधर देखो, आपके पास ना x की वैल्यू आ सकती है, अगर आप इस नंबर को कंपेयर कर दोगे इस नंबर से, x माइनस टू इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री लैम्डा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और टू उधर जाएगा, तो देखो x की वैल्यू आपके पास आएगी थ्री लैम्डा प्लस टू, इस तरह से कुछ आ जाएगा। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई। ऐसी देखो जब ये भी कंपेयर होगा किसके साथ, इसके साथ, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, फोर लैम्डा माइनस वन। ऐसी z कंपेयर होगा इसके साथ, तो z की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, टू लैम्डा प्लस का टू, ये टू है भाई साहब। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड आपके पास आ गए। अब आपको मालूम है कि जो एक्स वाई जेड आपके पास निकल के आए हैं, ये है तो इस प्लेन के ऊपर ही, देखो इस प्लेन के ऊपर है ना, तो आपको ये बात मालूम है कि जब भी कोई पॉइंट किसी प्लेन को ऊपर होता है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। क्वेश्चन में ऊपर से हटा रहा हूं, तो देखो यहां पे ऐसा आ जाएगा कि पॉइंट क्यू, ठीक है, लाइज ऑन प्लेन, प्लेन पे ये लाई करता है, ये जो एक्स वाई जेड है ये पॉइंट क्यू की वैल्यू है, तो उसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट, आप फ्रॉम फर्स्ट को बुला लो, ये क्या है फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट ये रहा, एक्स है माइनस का वाई है प्लस का जेड है इज इक्वल टू फाइव है, एक्स की जगह पुट कर दो ये थ्री लैम्डा प्लस टू, वाई की जगह फोर लैम्डा माइनस वन, जेड की जगह टू लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू कितना है फाइव। अब आप करो इसे सॉल्व, ये हो जाएगा थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस का फोर लैम्डा प्लस वन प्लस का टू लैम्डा प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, मेरे पास जगह बच रही है कम, तो मैं कर देता हूं उसे रब। ओके, क्वेश्चन भी हटा दिया है मैंने, रब भी कर रहा हूं। तो इस तरह से ना बहुत इजी अप्रोच है, बस एक दो बार ना आपको ये क्वेश्चन खुद अपने आप भी करना पड़ेगा, एक बार देख के करना और एक बार बिना देख के, तो आप फिर कभी इसे भूलोगे नहीं। तो देखो ये कितना हो गया, थ्री लैम्डा फोर लैम्डा टू लैम्डा, थ्री और टू फाइव, फाइव में से फोर गया लैम्डा बचा, और ये टू 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 ये फाइव हो गया, इज इक्वल टू कितना है फाइव, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, लैम्डा की वैल्यू भाई साहब जीरो आ गई। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो अब इसको पुट कर दो उन वैल्यूज के अंदर, अभी अभी आया था ना, एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, एक्स की वैल्यू आपके पास थी थ्री लैम्डा प्लस टू, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू आपके पास थी फोर लैम्डा माइनस वन, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू आपके पास थी टू लैम्डा प्लस टू, याद है ये मैंने अभी यहां से रब किया है, तो इसमें लैम्डा डाल दो जीरो, कुछ भी लैम्डा है वो इसके अंदर डाल दो, तो लैम्डा डालूंगा ना ये तो जीरो हो जाएगा, तो टू बचेगा, यहां डालूंगा लैम्डा जीरो तो माइनस वन, यहां डालूंगा लैम्डा तो सिर्फ टू बचेगा। भाई साहब पॉइंट क्यू आ चुका आपके पास, भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आ गई, तो पॉइंट क्यू आ गया, दैट इज टू माइनस वन और टू।
जैसे ही पॉइंट क्यू आएगा हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालेंगे क्या ए क्यू। पहले लिख देता हूं फॉर्मूला आपके लिए, फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। ठीक है, जगह बच गई है कम, तो मैं यहां इतने पोर्शन में इस क्वेश्चन को कर दूंगा। ये मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन, ये मेरा एक्स टू वाई टू जेड टू, जो ये निकल के आया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो ना, तो निकाल देना, वैल्यू वैल्यू इसके अंदर डाल देना, वैल्यू डालने के बाद आपका 169 आ जाएगा और 13 इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स में सीबीएसई में आ चुका है, तो वेक्टर फॉर्म में आया तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन जस्टिफिकेशन देना है कि आप कन्वर्जन कर रहे हो। इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार ट्राई करो तब पकड़ना आएगा ये क्वेश्चन। देखिए गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये कोई आपका प्लेन है इस टाइप से, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी हो सकता है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। ठीक है, नॉर्मल आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर या नीचे की तरफ। और देखो ये कोई लाइन जा रही है इस तरह से, ये कोई लाइन है, तो आपको पता है लाइन पर हमेशा बी वैक्टर खेलता है, लाइन का वेक्टर बी होता है और प्लेन का वेक्टर नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये एंगल हमें निकालना है थीटा, तो ये अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है प्लेन के साथ तो 90 का बनाएगा ना, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो फॉर्मूला होगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी मैग्नीट्यूड एन मैग्नीट्यूड। एन नॉर्मल है जो प्लेन से मिलेगा, बी वेक्टर है जो लाइन से मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखो आपके सामने आ गया, एग्जांपल 25 दिख रहा है, इसमें लिखा है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन आपको दी हुई है। ठीक है, x प्लस 1 बाय 2, y बाय 3, z माइनस 3 बाय 6, और देख लेना ये कंडीशन सही होनी चाहिए, x प्लस 1 बाय 2 बिल्कुल सही है, y बाय 3 बिल्कुल सही है, z माइनस 3 बिल्कुल सही है। अगर z माइनस 3 3 माइनस z होता तो उसे ठीक करना पड़ता पहले, तो ओके। और प्लेन आपको दिया हुआ है, तो लाइन का निकालो बी वेक्टर, बताओ यहां बी वेक्टर कितना है। देखो बी वेक्टर लाइन जो दे रखी है ना उसके नीचे वाले होते हैं, यानी 2i प्लस का 3j और प्लस का 6k, ये बी वेक्टर होता है। अगर अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में होती तो लैम्डा के बाद वाला होता बी वेक्टर। आ रहा हूं बी, आगे देखो यहां प्लेन हमें दिया हुआ है, प्लेन से आप निकाल लो नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर होता है एक्स वाई जेड के साथ वाला, यानी ये हो गया 10i, ठीक है, प्लस का हो गया 2z और माइनस का हो गया 10i प्लस 2j माइनस के, ये आपका हो गया n वेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मल से हमेशा n मिलेगा, लाइन से हमेशा b मिलेगा। अब आप निकाल दो एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है, पहले निकालो b डॉट n, ठीक है, b की डॉट n में, यानी 2 की 10 में, 3 की 2 में, 6 की 11 में। ऐसा करने से आपके पास ना टोटल माइनस का 40 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 40। अब निकाल दो इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड, ठीक है, a का अलग और b का अलग, तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है ना, 2 square 3 square 6 square, तो 49 आएगा। ठीक है, इधर निकालो 10 square 2 square minus 11 का स्क्वायर, तो 225 आएगा। ओके, तो इसका ऊपर माइनस का 40 तो प्लस 40 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका प्लस का 40 और ये नीचे आ गया 7 और ये आपका कितना हो गया 15। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 8/21। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा 8/21, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 8/21, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट था, इसको जरा ध्यान से देख लें। ओके, याद रखें इसे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन।